सरकार से जो पुराने कार्यकर्ता थे उनका उत्पीड़न करके नए जो आए नए कार्यकर्ताओं को तहसील के बटन या आने मतलब उनको बिठा दिया गया। इसके संबंध में फिर भी हम लोगों को सिर्फ संकीर्ता के नाम पर सिर्फ निराशा ही मिली है। इसके संबंध में मैं संगठन आपको संगठन छोड़ने परसों यानी कि सोमवार के दिन सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया अगर कि हम लोग अपने कुछ विचार रखेंगे आप सभी के समक्ष क्या नाम संदीप मोदी नगर मंत्री इकाई द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नगर इकाई के कार्यकर्ताओं को सक्रियता के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। हम सभी कार्यकर्ता 2014 से इस छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नहीं बल्कि प्रांत में भी अटरिया का नाम रोशन किया है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद सिर्फ अटरिया के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया है। कुछ लोग सिर्फ राष्ट्रवादी छात्र संगठन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। नगरी के अटरिया के प्रत्येक कॉलेज में छात्र छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा गया है। यदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पत्रकारिता से जगत से जुड़े होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति नियमित में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकता है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से तहसील की प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है संगठन मंत्री जी स्पष्ट करेंगे। आगे के जो मित्र रह गए हैं मेरे पूर्व नगर मंत्री इनके भी आप सबके समक्ष पूर्व में भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी जिला मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं जी। जब कहते पत्रकार तो वही पत्रकार है ना? हाँ वो भी पत्रकार, वो तो पत्रकार नहीं है। हाल ही में नवीन घोषणाओं की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महुली तहसील संयोजक अभिषेक वाजपेयी जिन्हें संगठन से आज से 2 माह पूर्व कोई नहीं जानता था, उन्हें बिना किसी अनुभव के नगर या कॉलेज कैंपस के काम किए बिना ही इन्हें तहसील संयोजक बना दिया। आप किस आधार पर बोल सकते हैं कि हमने कार्य नहीं किया? जनपद की एक मात्र ऐसी इकाई है जिसमें हम लोग साप्ताहिक बैठक होती थी। विद्यार्थी परिषद स्थापना काल की सैद्धांतिक भूमिका को देखेंगे तो अगर यह छात्र है किसी भी विधा का तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हो सकता है। अगर कोई छात्र अपने जीवन यापन आर्थिक व्यवस्था के लिए अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है तो शेष मित्रों को यह बताने का कष्ट करें कि अब आज छात्र नहीं है, इतनी संगीर्ण मानसिकता कहाँ से लाते हैं? क्या यहाँ पर जनपद के शीर्ष नेतृत्व की कार्यपाल विशेष के बिना अनुभव की तहसील की प्रमुख जिम्मेदारी दी गई और इसी क्रम में जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संगठन छोड़ दिए हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। अंकित गिरी जो कि पूर्व में नगर सहमंत्री नगर मंत्री और तहसील प्रमुख पैसा डायरेक्टर ने संदीप लोधी जी हैं जो कि पूर्व में नगर सह मंत्री नगर मंत्री वर्तमान में और जिले सह प्रमुख सामाजिक जैसे सचिन यादव जी नगर आंदोलन प्रमुख और तहसील सह आंदोलन प्रमुख और नगर खेल प्रमुख ऐसे दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। रमाकांत जी नगर एसएसडी प्रमुख नगर खेल और तहसील खेल प्रमुख ऐसे दायित्व का निर्वहन किए हैं। तेज प्रताप सिंह जी हैं पूर्व में अटरिया नगर इकाई के सर्वप्रथम नगर मंत्री रहे और वर्तमान में तहसील से तहसील आंदोलन प्रमुख। उत्तम कश्यप जी नगर सह मंत्री रहे अररिया से। अभिषेक सवारा जी तहसील मीडिया प्रभारी और हमारी कुछ छात्राएं बहने थी क्योंकि जिन्होंने जिसमें नाम है अंजुपाल मंजूपाल अमीषा पटेल और अररिया नगर इकाई से नगर अध्यक्ष नीति श्रीवास्तव जी सरिता आराधना कोमल भारती कोमल सिंह ममता सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने संगठन में कुछ दिनों पूर्व सिधौली इकाई दो भागों में विभाजित हो गई थी, क्या उसका भी इससे कोई संबंध है? नहीं, उसका मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मुझे बस बुरा ये लगा कि बिना किसी अनुभव वाले व्यक्ति को अगर आप तहसील की जिम्मेदारी देंगे, अभी 1 साल पहले वो जुड़ा हुआ है गंगा और उसके माध्यम से ना कोई छात्र अभी तक जुड़ा हुआ है जिसको संगठन के विषय में पूरी जानकारी ही नहीं है और अगर आप ऐसे कार्यकर्ता को तहसील की प्रमुख जिम्मेदारी दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या इस संदर्भ में आपने जिले के अधिकारियों या संगठन के किसी अधिकारी से बात की? जिला के अधिकारी संगठन को सबको पता है कि हमारी अटरिया इकाई प्रदेश लेवल तक सक्रिय रूप से सबको पता है काम किया है कैसे काम कर रही है। 2014 से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसमें किसकी ये नतीजा है
में किसकी रणनीति है? कुछ यहाँ दरिया से भी लोग हो सकते हैं, दरिया से भी हो सकते हैं और सीता और प्रमुख शीर्ष नेतृत्व के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सब भली बात बता नहीं पाते, कुछ पता है कि वो कैसे काम किए क्या क्या। और जहाँ तक तुलने बारे में जो छात्राओं को समस्या उठाए तो उनको वो दबा भी दिया जाता है? बिल्कुल, सिर्फ ज्ञापन के नाम पर ज्ञापन दे दिया जाता है, उसके बाद में कोई कोई कार्रवाई नहीं। अभी हम बैठे क्या चला था वो।